हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर है 3 अपने पास। और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज जो है ना, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब भी करो तो हमारी राय ये है कि आप बेहतर तरीके से पीछे जो बातें हैं ना, इसकी बेसिक बेसिक से रिलेटेड और जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चाहिए, जो भी गुण चाहिए, उस बात की जानकारी आप रखो। फिलहाल हम जाएंगे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको जरूरत पड़ने वाली है, क्या वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम जानने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के सहित। ये फिगर आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है और यहाँ पर भी है, तो अपने हो तो एक बार वीडियो को जरूर देखो, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने वाली। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आकृति 6.41 में ये एक आकृति है, यदि ए बी समांतर डी है। गौर से समझना जरा, ए बी समांतर डी और बी ए सी बराबर 35 डिग्री और सी डी ई बराबर 35 डिग्री, यानी कि बी किधर है, बी ए सी बराबर 35 डिग्री और ये वाला कोण, आप सी डी ई बोल लो या ई डी सी बोल लो, ये वाला कोण 53 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, बात हमको कौन सी जाननी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या जानेंगे? तो पहली बात हमको यहाँ पर दिया है ना कि ए बी समांतर सी डी है। पहली बात जो हमको पता है वो क्या है, ए बी समांतर सी डी है। और गौर से देखोगे ना, ए बी समांतर सी डी तो है, गौर से देखोगे तो ए ई जो है, ए ई जो है यह तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा क्या होता है सर? हाँ, तिर्यक रेखा क्या होता है? तिर्यक रेखा होता है कि यदि कोई दो रेखा समांतर है और उस दोनों रेखा को कोई एक रेखा काट रही है ना, तो वो तिर्यक रेखा है। क्लियर है? अब यहाँ पर ए ई एक तिर्यक रेखा है और ए ही अगर तिर्यक रेखा है तो अपना ये कोण, ये 35 डिग्री और ये भी हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? कोण ए बराबर ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोण ए और कोण ई एकांतर कोण के युग्म हैं और समांतर रेखाओं में क्या होता है कि एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं, है ना? तो अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ देख लो, मान लो कि ये दो समांतर रेखा है, कोई एक रेखा यहाँ से काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण जो है ना, ये समान होगा, ये कोण और ये कोण जो है समान होगा। और ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, यही तो हमको पता है ना। अब बताओ ये कोण हमको पता, ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण तो हो गया कितना डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया ना, ये 35 डिग्री हो गया ना। अच्छा, अपने को निकालना क्या है यहाँ पर, अपने को चाहिए यहाँ से सी कोण डी सी ई चाहिए ना, देख लो कौन डी सी ई चाहिए, यानी कि कौन सी निकालना है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये इसमें तो दोनों निकल गया ना, 53 और 35 डिग्री तो निकल गया। अच्छा, गौर से देखोगे ना तो ये त्रिभुज है, डी सी ई एक त्रिभुज है ना, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके यहाँ से हम कौन सी का मान निकाल पाएंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, हमको दिया है कि लिख लो ए बी समांतर डी है ना, तथा लिख लो ए ई एक तिर्यक रेखा है, ए ई एक तिर्यक रेखा है, ए ई एक तिर्यक रेखा है। अब इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कौन बी ए, कौन बी ए ई बराबर कौन ए ई डी, ए ई डी यानी कि ये कोण बराबर बी ए ई ये कोण और ये ए ई डी ये कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों हो गया? एक एकांतर कोण है ये, क्योंकि ये एकांतर कोण के युग में, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बातें? चलो आगे चलते हैं, है ना। अब देख लो, अब त्रिभुज डी सी ई में, डी सी डी सी ई में, अब देखो त्रिभुज डी सी ई की बात करें ना, तीन कोण है ना, कोण सी डी ई, कोण सी प्लस
कोण डी प्लस कोण ई, इस तीनों कोण को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के कौन योग गुणधर्म हमको यह बताता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण होते हैं, इन तीनों कोणों को यदि आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हमने थ्योरम में भी साबित कर रखा है, यदि आप चाहे तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखना जरा, कोण सी प्लस कोण डी कोण ई 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण सी तो नहीं पता है, कोण सी तो नहीं पता है, लेकिन कोण डी कितना है, 53 डिग्री। कोण डी है 53 डिग्री और कोण ई है 35 डिग्री। कोण ई कितना है, 35 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। कोण डी बराबर 53 डिग्री, कोण ई बराबर 35 डिग्री और कोण सी नहीं पता है, तो कोण सी ही तो निकालना है ना। तो जोड़ लो, कोण सी प्लस में 5 3 8 और 5 3 8 88 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अच्छा देख लो, अगर इस 88 डिग्री को उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरे साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री और इधर से माइनस में 88 डिग्री। ठीक है, अब घटा लो, 10 में 60 2 और 17 में 60 9, ये कितना आ गया, 92 डिग्री। अच्छा हमने यहाँ पर 92 डिग्री निकाला है ना, तो हमको पता करना है, चलो आंसर तो एग्जाम में तो रहेगा, पता करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो देख लो, ये डी सी ई एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर तीन कोण है, एक तो कोण डी है, कोण ई है और कोण सी है। यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो हमारा आंसर सही है। तो कोण डी बराबर 35 डिग्री, कोण ई बराबर 35 डिग्री, कोण डी बराबर 53 डिग्री और कोण सी अभी अभी हमने निकाला है 92 डिग्री। देखो, 5 3 8 2 10 की 0, 1 1 5 1 6 3 9 9 18। अब ये देखो, त्रिभुज के अंदर तीनों कोण 180 डिग्री आ गया, मतलब हमने जो यहाँ पर कोण सी का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही है। और यही है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। छोटा सा था, इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था, हाँ अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी हो जाए बिल्कुल स्मूथ, यानी कि आसान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।